आप सभी को हेलो, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, विद वट एवर यू आर कंफर्टेबल। आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर सक्सेस मंत्र। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। इन अवर लास्ट सेशन वी हैड कंप्लीटेड अवर यूनिट 3, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आई होप यू आर क्लियर अबाउट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। इफ यू हैव एनी डाउट स्टिल, प्लीज लेट अस नो सो दैट वी कैन हेल्प यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर यूनिट 4, दैट इज वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। द टॉपिक्स दैट वी विल कवर आर कंप्यूटर असेसिबिलिटी, टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट्स, असेसिबिलिटी फीचर्स। इन दीज वी विल लर्न अबाउट वट आर द असेसिबिलिटी फीचर्स फॉर लर्निंग एंड लिटरेसी, फॉर विजन, फॉर हियरिंग, फॉर मोबिलिटी एंड फॉर स्पीच। देन शॉर्टकट्स फॉर असेसिबिलिटी ऑप्शंस, दैट वट शॉर्टकट कीज यू कैन यूज टू हैव असेस ऑन वेरियस फीचर्स। And the last will be serial keys. So, the first topic of R is computer accessibility. So, let's understand firstly the meaning of accessibility. कि accessibility का meaning क्या होता है? The particular meaning of accessibility, if we talk in general terms, is the fact of being able to be reached or obtained easily. कोई ऐसी चीज जहां तक आप आसानी से पहुंच सके या उसे आसानी से ले सके। एंड व्हेन वी कम टू नो अबाउट कंप्यूटर्स, जब हम कंप्यूटर्स के बारे में बात करते हैं, द फीचर असेसिबिलिटी और द वर्ड यू कैन से असेसिबिलिटी मींस हाउ कंप्यूटर्स कैन बी हेल्पफुल टू ऑल यूजर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसेबिलिटी। कि कैसे कंप्यूटर्स जो हैं वो हर यूजर के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं, रिगार्डलेस उनकी डिसएबिलिटी को नज़रअंदाज करके। यानी कि एक पर्सन चाहे डिसेबल ही क्यों ना हो, ही और शी कैन यूज द कंप्यूटर प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द असेसिबिलिटी फीचर्स दैट अ विंडो प्रोवाइड्स देम। देन इज इट एनेबल्स अ पर्सन विद डिसेबिलिटी टू यूज कंप्यूटर्स। ये एक पर्सन हु इज डिसेबल, जो डिसेबल है उसको एनेबल करता है कि वो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर सकता है विद द हेल्प ऑफ वॉट, सम ऑफ द असेसिबिलिटी टूल्स। असेसिबिलिटी टूल्स की मदद से वो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर सकता है। एंड सम ऑफ द असेसिबिलिटी टूल्स आर टेक्स्ट टू स्पीच, जो आप टेक्स्ट को स्पीच में बदलता हो, स्पीच रिकॉग्निशन, आवाज को पहचानता हो, और ऐसी बहुत सारे फीचर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। असेसिबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज असिस्टिव टेक्नोलॉजी। असेसिबिलिटी को हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। सो इफ यू हैव टू यूज असेसिबिलिटी टूल्स, तो आप उसे कैसे ओपन करेंगे? फॉर दैट वट यू हैव टू डू, यू हैव टू ओपन योर कंट्रोल पैनल। आपको अपना कंट्रोल पैनल ओपन करना है। ओके, एंड हेयर यू गेट द ऑप्शन ईज ऑफ एक्सेस, क्लिक ऑन दिस। तो ये जो आपको ईज ऑफ एक्सेस यहाँ पे ऑप्शन मिला है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दोबारा एक और ऑप्शन मिला, ईज ऑफ एक्सेस सेंटर। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे, Always scan this यू विल section. गेट हेयर मेनी ऑप्शंस। तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे दैट की यू कैन यूज, कि आपको कैसे यूज करना है। आपको मैग्नीफायर इस्तेमाल करना है, नरेटर यूज करना है, या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है, हाई कंट्रास्ट सेट करना है, और कंप्यूटर आपको बिना डिस्प्ले के इस्तेमाल करना है, या मेक द कंप्यूटर इजियर टू सी। सो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको अवेलेबल है। नेक्स्ट कम टू आर टॉपिक, टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट्स।
वी हैव फाइव टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट्स. द फर्स्ट इम्पेयरमेंट दैट वी हैव इज मोबिलिटी इम्पेयरमेंट, देन विजन और यू कैन से विजुअल इम्पेयरमेंट्स, देन इज हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, स्पीच इम्पेयरमेंट्स एंड द लास्ट इज कॉग्निटिव एंड लर्निंग इम्पेयरमेंट्स. सो दीज आर द फाइव टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट्स दैट वी कैन फाइंड इन अ पर्सन. लेकिन जरूरी नहीं कि हर पर्सन में पांचों के पांचों हो. ए पर्सन कैन सफर फ्रॉम अ सिंगल इम्पेयरमेंट और टू इम्पेयरमेंट्स. सो लेट्स डिस्कस ऑल दीज इम्पेयरमेंट्स इन डिटेल. द फर्स्ट इम्पेयरमेंट दैट इज अवर मोबिलिटी इम्पेयरमेंट्स. मोबिलिटी इम्पेयरमेंट्स का मतलब क्या होता है? वो लोग जिन्हें की पैरालिसिस है या सेरेब्रल प्लासी है या फिर कार्पल टनल सिंड्रोम है या फिर रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी है, अगर कोई भी पर्सन इन सब चीजों से सफर कर रहा है, उसको ये प्रॉब्लम है, आर नॉट एबल टू यूज इनफ ऑफ देयर हैंड्स. तो जिन भी पर्सन को ये प्रॉब्लम होती है वो अपने हैंड्स और आर्म्स का इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पाते टू ऑपरेट अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड और माउस. एक कीबोर्ड या माउस को इस्तेमाल करने के लिए वो अपने हैंड्स का इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर सकते. विजन इम्पेयरमेंट्स, इंडिविजुअल्स हु आर ब्लाइंड, वो पर्सन जो ब्लाइंड है कैन नॉट एक्सेस विजुअल मटीरियल, वो विजुअल मटीरियल नहीं देख सकते. विजुअल मटीरियल कौन सा होता है? जो आपको स्क्रीन पे दिखाया जाता है, जो आप देख सकते हैं. सो ऑब्वियसली अगर कंप्यूटर स्क्रीन पे आप कोई मटीरियल दिखा रहे हैं या प्रिंटेड फॉर्म में कोई मटीरियल आप दिखा रहे हैं, तो एक पर्सन जो ब्लाइंड है वो तो ये देख ही नहीं सकता. फॉर सम पीपल विद लो विजन, या वो पर्सन जिनकी आंखें कमजोर हैं, प्रॉपरली नहीं देख सकते, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ लेटर्स आर टू स्मॉल फॉर देम टू रीड. तो हमारे जो सिस्टम में जब हम सिस्टम खरीदते हैं उसमें जो साइज होता है लेटर्स का, वो एक स्टैंडर्ड साइज होता है, वो हम देख सकते हैं. लेकिन वो पर्सन जो ब्लाइंड है, जिनका लो विजन है, जिन्हें देखने में बहुत ज्यादा दिक्कत है, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड टू मच स्मॉल लेटर्स, दे आर नॉट एबल टू रीड देम. या वो लोग जो कि कलर ब्लाइंडनेस से सफर कर रहे हैं, तो वो भी ऐसे लेटर्स को नहीं पढ़ पाते. फॉर देम ऑल्सो वी हैव सम टूल्स दैट वी कैन यूज, और वो इन टूल्स की मदद से अपना टास्क कंप्यूटर पे परफॉर्म कर सकते हैं. हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, पीपल हु सफर फ्रॉम हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिन्हें सुनने में दिक्कत है या डेफनेस है, जिन्हें बिल्कुल ही नहीं सुनाई देता, फाइंड प्रॉब्लम्स इन परसीविंग द ऑडियो कंटेंट. उन्हें क्या दिक्कत होती है? ऑडियो, जो आवाज होती है वो नहीं सुन पाते. स्पीच इम्पेयरमेंट्स, जिन्हें की स्पीच इम्पेयरमेंट है, फाइंड इट डिफिकल्ट वेयर ऑडियो इनपुट इज रिक्वायर्ड. यानी कि स्पीच का मतलब जिन्हें बोलने में दिक्कत है, ठीक है, या तो बोल नहीं पाते, आवाज ही नहीं है उनके में, ठीक है, या फिर हकलाते हैं या बहुत ज्यादा रुक रुक के बोलते हैं. तो जिनको ऐसी स्पीच की प्रॉब्लम होती है, उन्हें क्या डिफिकल्टी होती है कि जहाँ कहीं भी ऑडियो इनपुट होता है, जहाँ आवाज देनी होती है, वहां वो आवाज नहीं दे पाते. बट दे कैन यूज मैनी टेक्नोलॉजिकल टूल्स, लेकिन वो कई सारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं. यानी कि उन्होंने टेक्स्ट टाइप कर दिया और वो टेक्स्ट उनका आवाज बन के कन्वर्ट हो जाता है. लास्ट इज कॉग्निटिव एंड लर्निंग इम्पेयरमेंट्स. लास्ट हमारा क्या है? कॉग्निटिव एंड लर्निंग इम्पेयरमेंट्स. पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसग्राफिया, वो लोग जिन्हें डिसग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, या अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, या ऑटिज्म है, दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू रीड स्मॉल टेक्स्ट साइजेस, या वो बहुत ज्यादा ब्राइट स्क्रीन दे नहीं देख सकते, एंड इवन अनएबल टू प्रोड्यूस हैंड राइटिंग, यहाँ तक कि वो ढंग से लिख भी नहीं सकते. For them also we have many types of tools to help them with the computer functionalities. So let's talk about the accessibility features now. अब हम बात करेंगे accessibility features की. Every operating system has some accessibility features. हर operating system, चाहे वो कोई सा भी हो, हर एक के पास क्या होते हैं? कुछ accessibility features होते हैं. So that they can help people with disabilities, जिससे कि वो उन लोगों की मदद कर सकें जो जिनके अंदर किसी भी तरह की disability मौजूद है.
टाइप्स ऑफ असेसिबिलिटी फीचर्स दैट वी कैन यूज, वो असेसिबिलिटी फीचर्स जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो क्या क्या है, लर्निंग एंड लिटरेसी, विजन के लिए, हियरिंग के लिए, मोबिलिटी एंड स्पीच के लिए। देयर आर टू मोर असेसिबिलिटी फीचर्स, जनरल टैब एंड योर सीरियल कीज, ये दोनों भी आपके असेसिबिलिटी फीचर्स के ही पार्ट है। जनरल टैब जो होता है कैन बी यूज बाय एनीवन, वो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम जैसे नॉर्मल लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसे। एंड सीरियल कीज, इफ वी टॉक अबाउट देम, दे आर यूज बाय दोज हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू यूज कीबोर्ड एंड माउस। सीरियल कीज उनके द्वारा इस्तेमाल की जाती है जो कीबोर्ड या माउस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाउ कम टू फॉर लर्निंग एंड लिटरेसी, अब हम असेसिबिलिटी फीचर्स की बात करेंगे, उन असेसिबिलिटी फीचर्स की जो कि लर्निंग एंड लिटरेसी में हमारी मदद करते हैं। तो आप लर्निंग एंड लिटरेसी में देखिए कि अगर हमें एनिमेशंस या बैकग्राउंड इमेजेस बंद करनी है, ये जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर होती हैं एनिमेशंस होती हैं या बैकग्राउंड इमेजेस होती हैं, अगर हमें वो बंद करनी है तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। और किसके लिए हमें करना है, अगर हमें लाइव टाइल्स बंद करनी है तो वो कैसे करेंगे, अगर हमें विंडोज मैक्सिमाइज करनी है तो उसके लिए कौन सा फीचर इस्तेमाल होता है, तो वो सब हम लोग परफॉर्म करके देखेंगे। फॉर दैट हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें अपने कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। कंट्रोल पैनल में हमारे पास देखिए कई सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर कोई फीचर नहीं मिलता है तो आप कहाँ पे जाके ये सारे फीचर्स देख सकते हैं, फॉर दैट कम टू योर डेस्कटॉप, यहाँ नीचे आपके पास विंडोज बटन अवेलेबल होता है, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक सेटिंग्स का ऑप्शन आता है, क्लिक ऑन दिस सेटिंग्स, सो योर विंडो ओपन्ड ओवर हियर, ये विंडो आपके पास ओपन होगी और यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन है ईज ऑफ एक्सेस का, क्लिक ऑन दिस, ठीक है, तो क्लिक आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब ईज ऑफ एक्सेस में देखिए आपके पास यहाँ पे कितनी सारी चीजें हैं, है ना। अभी हमें क्या करना था, बैकग्राउंड सेटिंग सेट करनी थी, तो यहाँ राइट में देखिए आपके पास बैकग्राउंड सेटिंग्स का ऑप्शन है, ओके, तो जैसे ही आपने इसको क्लिक किया तो देखिए वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ आप क्या चीज चूज कर सकते हैं, पिक्चर यहाँ से ले सकते हैं, सॉलिड कलर ले सकते हैं, स्लाइड शो ले सकते हैं, दैट इज चूज एल्बम्स फॉर योर स्लाइड शो, स्लाइड शो के लिए आप अपनी एल्बम यहाँ पे चूज कर सकते हैं, पिक्चर आपको कितनी देर में चेंज करनी है वो आप यहाँ से टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड अगर आपको शफल करना है तो आप शफल फीचर को ऑन कर सकते हैं, अगर बैटरी आपकी बैटरी पावर पे हो, यानी कि जब आपकी बैटरी लैपटॉप की बहुत कम होती है और आप एक बैटरी का ऑप्शन यूज कर रहे होते हैं तो उसे आपको ऑन करना है या ऑफ करना है अपना स्लाइड शो इस्तेमाल करते समय। चूज अ फिट, यानी कि आपको अपनी इमेज के लिए ऑप्शन सेट करना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करना है, फिल पूरी स्क्रीन में आपके वो ऑप्शन आ जाएगा, जब आप उसे फिट करते हैं तो वो क्या करते हैं आपकी जो स्क्रीन का साइज होता है एग्जैक्ट उसी साइज में वो आपको आपकी इमेज को फिट कर देता है, चाहे उसके लिए आपकी इमेज को उसे श्रिंक ना करना क्यों ना करना पड़े, स्ट्रेच वो आपकी इमेज को क्या करेगा फैला देगा। टाइल्स फॉर्म में अगर आप करते हैं तो वो टाइल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टाइल फॉर्म में सेलेक्ट करूँ तो क्या होगा, एक जो एक ही इमेज क्या होगी मेरे पास 4 to 5 times शो हो जाएगी, ठीक है। सेंटर, आपको बिल्कुल बीच में रखनी है अपनी इमेज, स्पैन या फिर फैलानी है आपको अपनी इमेज, सो दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस दैट यू कैन यूज फॉर योर बैकग्राउंड, ठीक है, यहाँ से आप अपने बैकग्राउंड की चीजें चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कलर्स चेंज करने हैं तो आप यहाँ से कलर्स चेंज कर सकते हैं, देखिए चूज योर कस्टम कलर, लाइट डार्क कैसा चूज करना है, चूज योर डिफॉल्ट विंडोज मोड, विंडोज मोड चेक करना है आपको लाइट है या डार्क है, ऐप का मोड कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए डार्क होना चाहिए, टाइम प्रेसी इफेक्ट ऑन करने हैं ऑफ करने हैं। सो कम टू द लॉक स्क्रीन ऑप्शन, आप लॉक स्क्रीन यहाँ पे कर सकते हैं कि लॉक स्क्रीन आपको कौन सी करनी है,
देन कम टू थीम्स, फिर आप अपनी थीम कर सकते हैं कोई सी भी सेट करके, जो आपको यहाँ पे पसंद हो वो वाली विंडोज थीम आप चूज करके सेट कर सकते हैं। देन कम टू फॉन्ट्स, यहाँ से आप फॉन्ट चूज कर सकते हैं कि कौन सा फॉन्ट आपको चाहिए। देन इट विल आस्क यू ओवर हेयर दैट व्हाट यू वांट टू डू। ओके, तो यहाँ से आप ये सारी चेंजेस कर सकते हैं। देन कम टू स्टार्ट, स्टार्ट मेन्यू में आपको क्या क्या चाहिए दैट यू कैन यूज ओवर हेयर। देन कम टू टास्क बार, टास्क बार में आपको क्या चीज चाहिए क्या नहीं चाहिए दैट यू कैन डू ओवर हेयर। तो ये सारे चेंजेस आप लर्निंग उसके अंदर एक्सेसिबिलिटी फीचर्स के अंदर कर सकते हैं। द नेक्स्ट फीचर दैट वी विल टॉक अबाउट ओवर हेयर इज फॉर विजन। अब हम विजन के लिए बात करते हैं। विजन में हमने देखा था कि वो पर्सन जो ढंग से देख नहीं सकते या बिल्कुल ही नहीं देख सकते, जो हु आर सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस ऑल्सो, तो उसके लिए क्या होता है, दे कैन यूज द नरेटर फीचर। वो क्या कर सकते हैं, नरेटर फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नरेटर फीचर का मतलब होता है स्क्रीन रीडिंग ऐप, एक ऐसी ऐप जो आपको स्क्रीन को रीड करने में मदद करती है। स्क्रीन पे जो कुछ लिखा होगा वो आपको सब वो पढ़ के बताएगी। यूजर्स विद विजन इम्पेयरमेंट कैन पर्सनलाइज देयर डिस्प्लेज। वो पर्सन जिन्हें की विजन की प्रॉब्लम है वो अपने डिस्प्ले को पर्सनलाइज कर सकते हैं, क्या चीज चूज करके, वीडियो एंड ऑडियो ऑप्शंस का इस्तेमाल करके, कि वो वीडियो एंड ऑडियो ऑप्शंस देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने डिस्प्लेज को, उन्हें क्या चीज चाहिए क्या नहीं चाहिए उसके बेस पर उसे सेट कर लेंगे। अगर आपको नरेटर ऑन या ऑफ करना है, फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, उसके लिए आपको क्या करना है नरेटर को ऑन या ऑफ करने के लिए, हेयर यू हैव, तो यहाँ देखिए आपके पास स्टार्ट नरेटर का ऑप्शन है। स्टार्ट नरेटर, स्टार्टिंग नरेटर डायलॉग। जैसे आपने इसको क्लिक किया, सो व्हाट इट इज आस्किंग, हेड्स अप नरेटर कीबोर्ड changes. Narrator we have keyboard updated changes. The narrator keyboard layout. So we've updated the narrator keyboard layout so it more closely matches the experience you may have had with other screen readers. If you want narrator to tell you what commands are associated with the keys you are pressing, you can turn on input learning by pressing caps lock plus one. To turn it off, press caps lock plus one twice. To learn more, exiting narrator. Turn ऑफ हो जाएगा। ओके, फ्रॉम हियर यू कैन स्टार्ट इट एंड द विंडो दैट विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू, फ्रॉम देयर यू कैन टर्न ऑफ द नरेटर फीचर, वहां से आप उसे ऑफ भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज लो विजन यूजर्स, वो यूजर्स जिनकी लो विजन है, बट दे कैन डू टू यूज अ लार्ज मॉनिटर। अगर उन्हें लार्ज मॉनिटर का इस्तेमाल करना है तो वो क्या करेंगे, विंडोज प्लस पी की का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि विंडोज की जो आपके लैपटॉप में होते हैं वो दबाएंगे, साथ में पी दबा देंगे। टू ऐड कर्सर ट्रेस, जो आपका कर्सर होता है वो कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू गो इन द ऑप्शन ओवर हेयर, मेक द माउस ईजियर टू यूज, ये माउस को ईजियर बना दीजिए यूज करने के लिए। तो आपके पास यहाँ पे क्या, चेंज द कलर एंड साइज ऑफ माउस पॉइंटर्स, माउस पॉइंटर्स के आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं ऑप्शन जैसा आपको चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन चूज एनी वन। देन यू हैव कंट्रोल द माउस विद द कीबोर्ड, अगर आपको कीबोर्ड से माउस कंट्रोल करना है, फॉर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस टर्न ऑन माउस कीज। ओके, माउस कीज को आपको टर्न करना है, तो फिर उसके बाद आपको इसे सेटअप करना पड़ेगा। सो क्लिक ऑन सेटअप माउस कीज, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास ये सारे ऑप्शंस आएंगे, आप इन सारे ऑप्शंस के थ्रू अपनी सेटिंग्स सेट कर सकते हैं, राइट। देन यू हैव मेक इट इजियर टू मैनेज विंडोज, अगर आपको विंडोज मैनेज करनी है तो वो आप कैसे करेंगे, यू हैव टू ऑप्शंस ओवर हियर, एक्टिवेट अ विंडो बाय होवरिंग ओवर इट विद द माउस, कि माउस से आप उसके ऊपर बस अपने माउस को मूव करेंगे और आपकी विंडोज एक्टिवेट हो जाएगी। एंड द सेकेंड इज प्रिवेंट विंडोज फ्रॉम बीइंग ऑटोमेटिकली अरेंज्ड, विंडोज को आपको क्या किस चीज से बचाना है कि ऑटोमेटिकली आपकी विंडो अरेंज ना हो, जब भी आपका माउस इधर से उधर मूव करे तो आपकी विंडो इधर उधर अपने आप एडजस्ट ना हो। सो फ्रॉम हेयर यू कैन डू द नेसेसरी चेंजेस।
देन नेक्स्ट इज टू इंक्रीज टाइल साइज. अगर आपको टाइल का साइज बढ़ाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है माउस से, ठीक है, या फिर लॉन्ग टैप करना है, ठीक है. और अगर आप मैस राइट क्लिक कर रहे हैं माउस से तो आपको क्या करना है, उसे प्रेस करके होल्ड करना है और फिर छोड़ देना है. टू यूज मैग्नीफायर टू टेम्परेली एनलार्ज अ पोर्शन. अगर आपको मैग्नीफायर का इस्तेमाल करना है फॉर दैट द ऑप्शन दैट यू हैव ओवर हेयर इज हेयर स्टार्ट मैग्नीफायर. आप सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्टार्ट मैग्नीफायर. सो क्लिक ऑन दिस ऑप्शन. व्हेन यू क्लिक ऑन दिस अ स्मॉल विंडो हैज ओपन इन फ्रंट ऑफ यू. फ्रॉम हेयर यू कैन इंक्रीज द साइज. देखिए आपने साइज इंक्रीज किया तो जो विंडो थी वो आपके पास इंक्रीज हो गई है. एंड व्हेन यू क्लिक ऑन मिनिमाइज इट विल मिनिमाइज. सो इट इज जूम इन एंड जूम आउट ऑप्शन. ओके एंड हेयर यू कैन सेलेक्ट द व्यूज. व्यूज आप सेलेक्ट कर सकते हैं कैसा होना चाहिए, फुल स्क्रीन, लेंस होना चाहिए, डॉक्ड होना चाहिए. दैट ऑप्शन यू कैन यूज ओवर हेयर. ओके एंड इफ यू वॉन्ट टू क्लोज दिस विंडो देन क्रॉस इट फ्रॉम हेयर. तो आप यहाँ से इसको क्रॉस कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज हाई कंट्रास्ट एंड कलर ऑप्शन. दे आर द पार्ट ऑफ योर वर्ड, दे आर पार्ट ऑफ योर विजन. क्योंकि विजन में हमें कई बार हाई कंट्रास्ट की भी जरूरत पड़ सकती है, उसे ऑन करना है, ऑफ करना है, और कर्सर ऑप्शन की भी जरूरत पड़ सकती है. सो वट इज एक्चुअली हाई कंट्रास्ट. हाई कंट्रास्ट इज एन असेसिबिलिटी फीचर. ये भी एक असेसिबिलिटी फीचर है टू असिस्ट पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट. उन लोगों को मदद करने के लिए दैट आर सफरिंग फ्रॉम विजन इम्पेयरमेंट, जिन्हें आंखों से देखने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. टू चेंज द साइज एंड कलर ऑफ फोन्स. हम इसमें क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज द साइज ऑफ फोन्स, कलर ऑफ फोन्स एंड इवन द बैकग्राउंड ऑल्सो. हम इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं सो दैट अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम विजन ही और शी इज एबल टू व्यू द स्क्रीन इन अ प्रॉपर वे विदाउट फेसिंग एनी डिफिकल्टी. सो वट वी हैव टू डू टू एनेबल हाई कंट्रास्ट. अगर हमें हाई कंट्रास्ट अप्लाई करना है सो वट वी हैव टू डू फॉर दैट, वी हैव द ऑप्शन ओवर हेयर सेटअप हाई कंट्रास्ट. क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड इट शोड यू अ विंडो ओवर हेयर. इट हैज डिफरेंट ऑप्शन ओवर हेयर. हाई कंट्रास्ट में आपको क्या करना है, टर्न ऑन और ऑफ हाई कंट्रास्ट. आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं एंड यू कैन चेक दिस डिपेंडिंग अपॉन द डिसेबिलिटी ऑफ द पर्सन. डिस्प्ले अ वार्निंग मैसेज व्हेन टर्निंग अ सेटिंग ऑन. आप एक वार्निंग मैसेज चाहते हैं अगर आपकी कोई भी सेटिंग ऑन हो रही है. मेक अ साउंड व्हेन टर्निंग अ सेटिंग ऑन एंड ऑफ. या अगर आप किसी सेटिंग को ऑन ऑफ बार बार कर रहे हैं सो द सिस्टम विल इटसेल्फ मेक अ साउंड दैट यस इट इज ऑन एंड इट इज ऑफ नाउ. चूज अ हाई कंट्रास्ट थीम. दिस ऑप्शन ऑल्सो यू हैव ओवर हेयर. सो व्हेन यू क्लिक ऑन इट तो यहाँ से आप हाई कंट्रास्ट में क्या कर सकते हैं, ऑप्शन चूज कर सकते हैं यहाँ से. And related settings, high contrast settings when you choose. Here you are getting turn on high contrast, तो आप इसे on कर सकते हैं. Okay, I clicked on turn on, so it is showing us the high contrast option. तो अभी आपके पास कहाँ गया, high contrast में आ गया. Okay, and here you can choose the theme, आपको कौन सा चाहिए इसमें से. Okay, and now I am turning off. अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, off कर रही हूँ high contrast feature को. तो देखिए हम वापस अपने उस स्टैंडर्ड व्यू में वापस आ चुके हैं. ओके नेक्स्ट इज योर कर्सर ऑप्शन. अब आपके कर्सर ऑप्शन, इट इज ऑल्सो एन एक्सेसिबिलिटी फीचर एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन टू गो दोज पर्सन दोज हु हैव विजन प्रॉब्लम. एंड व्हाट इट डू, इट चेंज द ब्लिंक रेट एंड ब्रेथ ऑफ द कर्सर. कि कर्सर को कितनी बार ब्लिंक करना है और कर्सर की क्या वृद्ध होनी चाहिए. एंड इवन यू कैन डू व्हाट, यू कैन चेंज द स्पीड ऑफ द कर्सर ब्लिंक. आप उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं. इफ यू वांट इट फास्ट यू कैन मेक इट फास्ट. अगर आप उसे स्लो करना है यू कैन मेक इट स्लो. एंड
ब्रेथ वी हैव टॉक्ड अबाउट कि इसके बारे में आप ब्रेथ भी चेंज कर सकते हैं. सो इफ यू हैव टू डू द कर्सर चेंजेस, फॉर दैट यू हैव द ऑप्शन ओवर हियर कर्सर एंड पॉइंटर. आपके पास यहाँ पे कर्सर एंड पॉइंटर है. हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये सारे फीचर्स आपके पास कहाँ पर मौजूद है, कंट्रोल पैनल के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा ईज ऑफ एक्सेस. देयर यू विल गेट ऑल दीज ऑप्शंस डिस्प्लेड इन योर सिस्टम. ओके, एंड द विंडोज ऑन विच आई एम वर्किंग राइट नाउ, दैट इज विंडोज 10. सो यू विल बी एबल टू सी ऑल दीज फीचर्स इन विंडोज 10. क्लिक ऑन कर्सर एंड पॉइंटर. इट इज शोइंग यू चेंज पॉइंटर साइज. आप यहाँ से पॉइंटर का साइज चेंज कर सकते हैं. यू कैन इंक्रीज, देखिए आपके कर्सर का साइज भी इंक्रीज होता जा रहा है साथ के साथ, राइट. यू कैन चेंज पॉइंटर कलर. पॉइंटर का कलर आप चेंज कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट, राइट. अब यहाँ से देखिए आपके पास कलर्स की चॉइस आ गई है, वट कलर यू वॉन्ट, आप कौन से कलर का पॉइंटर चाहते हैं, राइट. देन पिक अ कस्टम पॉइंटर कलर. अगर आपको इनके अलावा कोई और कलर चूज करना है, दैट यू कैन यूज फ्रॉम हेयर. चेंज कर्सर थिकनेस. कर्सर की कितनी थिकनेस होनी चाहिए, दैट यू कैन डू. ओके, फ्रॉम हेयर यू कैन चेंज योर सेटिंग्स. यहाँ से आप इसकी विड्थ चेंज करें, एंड फ्रॉम अबव यू कैन चेंजिंग द ब्लिंक रेट एंड द साइज एंड कलर ऑफ देम, राइट. Then next that we will talk about is your accessibility features for hearing. The persons who are not able to hear properly, then what accessibility features you will use for them. And that is adjusting volume of speakers or headphones. Headphones या speakers का आप volume adjust कर सकते हैं. Okay, changing computer sounds. आप computer की sounds को change कर सकते हैं. And how you will do that? For that, you have to move to your settings. And in settings, you will get the option over here, system. So, सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा? We have to go at the home of your settings. Okay, तो हम settings के home पर आ चुके हैं. And here you are getting the option, system. Click on this. Okay. तो आप क्लिक ऑन साउंड ऑन योर लेफ्ट. आपके लेफ्ट में साउंड का ऑप्शन दे रखा है. एंड हेयर यू कैन चूज द ऑप्शन. ओके, यहाँ से आप मास्टर वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम रखनी है आपको, दैट यू कैन डू. आप अपनी वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट, राइट. देन मैनेज साउंड डिवाइसेज. अगर साउंड डिवाइसेज आपको मैनेज करने हैं, दैट यू कैन डू. चूज योर इनपुट डिवाइस. अगर आपको इनपुट डिवाइस अपना चूज करना है, क्या होना चाहिए, माइक होना चाहिए, माइक्रोफोन होना चाहिए, दैट ऑल्सो यू कैन डू. एंड यू नेक्स्ट इज योर डिवाइस प्रॉपर्टीज. यू हैव द डिवाइस प्रॉपर्टीज ओवर हेयर. सो वेन यू क्लिक ऑन इट, यू विल गेट द ऑप्शन ऑफ वॉल्यूम. एंड यू कैन इवन डिसेबल इट. आप उसको यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं. देन एट लास्ट you will get the option of advanced sound options, यानी कि app volume and device preferences, कि आपको अपने app की volume क्या रखनी है, या जो आपके devices हैं, speakers हैं या microphones हैं, उनसे आपको volume का level क्या रखना है, that you can choose over here. Then is using text or visual alternatives. आप text या visual alternatives का इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर दैट यू हैव टू यूज द ऑप्शन नरेटर. नरेटर का ऑप्शन आप चूज करेंगे, क्योंकि नरेटर जब बोलेगा तभी तो आप सुन पाएंगे उसे. ओके, देन एनेबल क्लोज्ड कैप्शनिंग. इट मीन्स टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑडियो इन अ टीवी प्रोग्राम. जो टीवी प्रोग्राम होता है वो टेक्सचुअल फॉर्म में आपको दिखाई देगा. सो फॉर दैट क्लोज्ड कैप्शन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हेयर, you will get it in ease of access and then over here closed captions. Okay, तो closed captions में देखिए आपको इन्होंने दिखा रखा है कि caption का color क्या होना चाहिए, that you can choose. उसकी transparency, उसका style, caption का size. Okay,
तो देखिए अगर मैं कैप्शन का ब्लैक कलर करूँ तो देखिए ऊपर जो आपके टेक्स्ट है वो आपको ब्लैक में दिखाई देगा, येलो करूँगी तो येलो में दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंसी आपको उसकी ट्रांसलूसेंट करनी है तो आपको हल्का सा धुंधला दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो हर एक सेटिंग है दैट इज डिफॉल्ट, यहाँ पे अभी हर सेटिंग डिफॉल्ट में है, राइट। देन कम टू साउंड सेनेटरी, अब हम बात करेंगे साउंड सेंट्री की, कि साउंड सेंट्री क्या होता है। इट इज डिजाइन टू हेल्प यूजर्स विद ऑडिटरी इम्पेयरमेंट, ये उन यूजर्स की मदद करने के लिए बनाया गया था जिन्हें ऑडिटरी प्रॉब्लम है यानी कि सुनने में दिक्कत रहती है। इट जनरेट्स विजुअल वार्निंग्स, ये विजुअल वार्निंग्स यानी कि वो वार्निंग्स जो वो देख सकते हैं उन वार्निंग्स को दिखाता है, जैसे कि टाइटल बार आपका ब्लिंक करने लग जाएगा, आपका बॉर्डर फ्लैश करने लग जाएगा जब भी कभी आपका सिस्टम साउंड बनाता है या क्रिएट करता है। आप कभी भी देखिएगा अगर आप अपने सिस्टम में कोई ऐसा एक्शन कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए तो आपकी स्क्रीन जो होती है या जो बॉर्डर्स होते हैं वो एकदम से ब्लिंक करने लग जाते हैं, राइट। देन इज शो साउंड्स, इट इंटरक्ट्स एप्लीकेशंस दैट कन्वे इंफॉर्मेशन बाय साउंड, ये क्या करता है एप्लीकेशंस को इंस्ट्रक्ट करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है दैट ऑल शुड बी इंफॉर्म्ड थ्रू साउंड, कि वो साउंड के जरिए ही दूसरे तक पहुंचाई जाए। इट ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विजुअली, ये इंफॉर्मेशन विजुअली भी प्रोवाइड करता है टेक्स्ट कैप्शंस के थ्रू या फिर इंफॉर्मेटिव आइकन्स के थ्रू। इंफॉर्मेटिव आइकन्स वो होते हैं थ्रू विच यू गेट सम नॉलेज, जिससे आपको कुछ नॉलेज मिलती है, जिससे आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ जानकारी मिलती है। देन इज फॉर मोबिलिटी, द पर्सन हु सफर फ्रॉम द मोबिलिटी इम्पेयरमेंट दे कैन मेक कीबोर्ड एंड माउस इजियर टू यूज, तो वो माउस और कीबोर्ड को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं उनकी सेटिंग्स को, दैट हाउ दे आर एबल टू यूज अ कीबोर्ड और माउस वेरी कंफर्टेबली बाय इग्नोरिंग देयर डिसेबिलिटी। सो द फर्स्ट दैट वी विल टॉक अबाउट इज इजियर टू यूज कीबोर्ड, कीबोर्ड का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। सो यूजर्स हु हैव डिफिकल्टी विद और दोज हु एक्सपीरियंस पेन और डिसकंफर्ट वाइल यूजिंग अ कीबोर्ड, वो पर्सन जिन्हें प्रॉब्लम है कीबोर्ड इस्तेमाल करने में या जब भी वो कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं उन्हें कुछ पेन होता है या वो अनकंफर्टेबल से रहते हैं। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कीज दैट दे कैन यूज, द फर्स्ट वन इज स्टिकी कीज, यहाँ पे जो फर्स्ट की है वो क्या है आपकी स्टिकी कीज। इट इज असेसिबिलिटी फीचर दैट हेल्प कंप्यूटर यूजर्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, जो कि उन कंप्यूटर यूजर्स की मदद करता है दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटी। इट इज ऑल्सो यूज बाय अदर्स एज ए मीन्स टू रिड्यूस रिपीटेटिव स्ट्रेन, या एक ऐसा पर्सन जो बार बार एक ही टास्क परफॉर्म करता है तो उसको वो प्रॉब्लम ना हो, वो रिपीटेटिव स्ट्रेननेस उसके में से हट जाए, दैट पर्सन ऑल्सो कैन यूज दिस फीचर। इट अलाउज द यूजर टू प्रेस एंड रिलीज अ मॉडिफायर की, सो व्हाट इट अलाउज अ पर्सन दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन जस्ट प्रेस एंड रिलीज अ की, एंड व्हाट काइंड ऑफ कीज, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट और विंडोज की, एंड हैव इट रिमेन एक्टिव अंटिल एनी अदर की इज प्रेस्ड, और ये उस की को तब तक एक्टिव रख सकते हैं जब तक कि कोई दूसरी की प्रेस नहीं की जाएगी। सेकेंड इज अवर फिल्टर कीज, सेकेंड कौन सी हमारी फिल्टर कीज है, इट इज ए फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ही एक फीचर है। इट इज एन असेसिबिलिटी फीचर दैट टेल्स द कीबोर्ड टू इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेटिव की स्ट्रोक्स, जो कि कीबोर्ड को क्या बताता है कि वो की स्ट्रोक्स जो कि बहुत ज्यादा बार या तो रिपीट हो रहे हैं या बहुत ही छोटे हैं दैट शुड बी इग्नोर्ड, एंड इट मेक्स टाइपिंग ईजियर फॉर पीपल दैट हैव हैंड ट्रेमर्स, जिन्हें हैंड से यूज करने में कुछ दिक्कत है या उनके हैंड्स प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, सो दैट पर्सन आर ऑल्सो एबल टू मेक देयर टाइपिंग वेरी easy. The third key that we will talk about is your toggle keys. It is also an accessibility feature. अभी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं these all are your accessibility features
इट टेल्स अ कंप्यूटर टू एमिट साउंड क्यूज व्हेन द लॉकिंग कीज आर प्रेस्ड। जब भी आपकी कोई लॉकिंग की प्रेस की जाएगी द कंप्यूटर विल मेक अ साउंड, वह एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। एंड व्हाट काइंड ऑफ लॉकिंग कीज, योर स्क्रॉल कीज, योर नंबर कीज, योर कैप्स लॉक कीज, सच काइंड ऑफ कीज। एंड वेन एवर सच काइंड ऑफ कीज आर स्विच्ड ऑन, जब भी आपकी ऐसी कीज स्विच ऑन होएंगी तो इट विल मेक अ हाई साउंड। एंड वेन एवर दीज कीज आर स्विच्ड ऑफ, और जब भी ये कीज स्विच ऑफ होएंगी इट विल मेक अ लो साउंड। सो लेट्स सी अबाउट दीज कीज, इन कीज के बारे में अभी हम देख लेते हैं दैट हाउ दीज कीज विल बी डन। सो हेयर यू हैव द ऑप्शन मेक द कीबोर्ड ईजियर टू यूज, क्लिक ऑन दिस। And here it is showing you the three keys under the heading make it easier to type. Turn on sticky keys, okay, and you can set up sticky keys also. When you click on this it will give you the option कि आपको क्या करना है, shift key आपकी क्या होनी चाहिए, turn on stick keys when shift is pressed 5 times. जब आप shift को 5 times press करेंगे तो आपका shift key जो है वो active हो जाएगी। In the same way लॉक मॉडिफायर कीज व्हेन प्रेस ट्वाइस इन अ रो, अगर आप मॉडिफायर कीज को 2 बार प्रेस कर लेंगे तो वो लॉक हो जाएगी। टर्न ऑफ स्टिकी कीज टू व्हेन 2 कीज आर प्रेस्ड एट वंस, अगर 2 कीज को आप इकट्ठे दबा देंगे तो आपकी स्टिकी कीज क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। सो इन दिस वे यू कैन सेट अप योर फीचर्स। इन द सेम वे यू हैव टर्न ऑन गूगल, टर्न ऑन टॉगल कीज, turn on filter keys. So you can set all these keys according to your choice. आप अपनी choice के according इसे क्या कर सकते हैं, use कर सकते हैं। Then we will talk about easier to use mouse. It will do what? It will assist people who have difficulty using a mouse. ये उन लोगों की मदद करेगा who are not able to use a mouse. This option uses the keyboard. ये ऑप्शन क्या करता है, कीबोर्ड का इस्तेमाल करता है, स्पेशली योर न्यूमेरिक कीपैड, और कीबोर्ड में भी आपका न्यूमेरिक कीपैड ज़्यादा इस्तेमाल होता है एज ए पॉइंटिंग डिवाइस इंस्टेड ऑफ अ माउस। सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मूव ऑन द फीचर मेक द माउस इजियर टू यूज, यहाँ से आपको उसे करना है, ओके। एंड हेयर यू विल गेट द ऑप्शन, यहाँ से आप अपना ऑप्शंस चूज कर सकते हैं व्हाट यू हैव टू डू। इफ यू आर टर्निंग इट ऑन इट विल डू व्हाट, यूज अ न्यूमेरिक कीपैड टू मूव द माउस अराउंड द की। तो आप क्या करेंगे, अपना जो एरो कीज है आपके उस पे लैपटॉप पे और ऑन योर सिस्टम ऑन योर डेस्कटॉप, फ्रॉम देयर यू कैन यूज एंड यू कैन मूव योर माउस ओवर द स्क्रीन। Next is for speech. For speech impairment we are provided with what? मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया था that we are provided with a text to speech feature. हमें एक text to speech feature दिया गया है that read text out loud for people with limited vision. जो कि क्या करता है, जो person अच्छे से देख नहीं सकते उनके लिए वो text को बहुत ही loud voice में बोलकर present करता है। For that, what you have to do, you have to again move to your settings, come to home, and here you will get the option time and language. Click on this. In time and language, you will get the option speech on your left. Click on this option, and it will ask you over here that what kind of things you want. Okay, आपको कौन सी language चाहिए अपने device पे? Okay. रिकॉग्नाइज करना है आपकी लैंग्वेज को या नहीं, माइक्रोफोन आपको यूज करना है या नहीं, कौन सी वॉइस चाहिए आपको, माइक्रोसॉफ्ट डेविड, माइक्रोसॉफ्ट जेरा, माइक्रोसॉफ्ट मार्क, वॉइस की स्पीड कितनी होनी चाहिए, दैट यू कैन चूज फ्रॉम हियर। एंड इफ यू वांट टू लिसन टू द वॉइस सैम्पल दैट यू कैन ऑल्सो डू। राइट, the next topic is shortcuts for accessibility options. If you don't want to perform such long tasks
that you have to move to control panel, then settings, then ease of center, then you have to choose the option, then you have to do the settings. For that you can just learn these shortcut keys. आपको लर्न करने की भी जरूरत नहीं है. जब आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे यू विल ऑटोमेटिकली कम टू नो कि आपको ये क्या होगी, कीज लर्न हो गई है. ओके क्योंकि हमारे माइंड में क्या होता है, जब हम कोई चीज बार 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 परफॉर्म करते हैं तो वो हमारे माइंड में बैठ जाती है. सो फॉर कीबोर्ड शॉर्टकट्स यू हैव दीज. द फर्स्ट वन इज राइट शिफ्ट फॉर 8 seconds. राइट शिफ्ट अगर आप 8 seconds के लिए दबाएंगे, इट विल डू वॉट, इट विल टर्न योर फिल्टर कीज ऑन एंड ऑफ, या आपकी फिल्टर कीज को ऑन एंड ऑफ कर देगा. अगर आप लेफ्ट ऑल्ट प्लस लेफ्ट शिफ्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन दबाते हैं, इट विल टर्न ऑन योर हाई कंट्रास्ट ऑप्शन, इट विल मेक इट ऑन एंड ऑफ. देन इज योर लेफ्ट ऑल्ट लेफ्ट शिफ्ट एंड नम लॉक, इट विल मेक योर माउस कीज ऑन एंड ऑफ. इफ यू प्रेस शिफ्ट की 5 times, इट विल मेक योर स्टिकी कीज ऑन एंड ऑफ. नम लॉक फॉर 5 seconds, टॉगल कीज विल बी ऑन एंड ऑफ. एंड इफ यू प्रेस विंडोज लोगो की प्लस यू, इट विल डू वॉट, इट विल ओपन द ईज ऑफ एक्सेस सेंटर फॉर यू. देन फॉर मैग्नीफायर कीबोर्ड शॉर्टकट्स, अगर आपको मैग्नीफायर का ऑप्शन यूज करना है, फॉर दैट वट यू कैन डू, फॉर दैट विंडोज लोगो की प्लस और माइनस साइन यू कैन यूज, इट विल जूम इन और जूम आउट योर विंडोज. देन कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस स्पेस बार, प्रीव्यू द डेस्कटॉप इन फुल स्क्रीन मोड, तो ये आपको आपका पूरा डेस्कटॉप फुल स्क्रीन मोड में आपको शो करेगा. देन ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डी, स्विच टू डॉक्ड मोड, ये आपको डॉक्ड मोड में पहुंचा देगा. कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एफ, फुल स्क्रीन मोड. कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आई, इनवर्ट कलर्स, इट विल चेंज द कलर्स. कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एल, स्विच टू लेंस मोड. कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आर, इट विल रिसाइज द लेंस. कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस योर एरो कीज, इट विल पैन इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो कीज, जहां जहां आपकी एरो कीज आप प्रेस करोगे इट विल मूव. एंड द लास्ट इज विंडोज लोगो की प्लस एस्केप, इट विल एग्जिट योर मैग्नीफायर. Right now the topic that we will discuss over here is your serial keys. हमने पढ़ा था that serial keys are also a part of your accessibility feature and it helps those people who have difficulty in using keyboard or mouse both. अभी तक हमने पढ़ा था जिनको सिर्फ keyboard इस्तेमाल करना नहीं आता वो mouse का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें mouse का इस्तेमाल करना नहीं आता वो keyboard का इस्तेमाल कर सकते हैं. But the persons who are not able to use either a mouse or a keyboard, for that they have the serial keys option. So usme kya hota hai, they can use special devices such as SIP, PUF and breathe switches to provide input to the computer through serial ports. So isme unki kya hota hai, ye special devices hote hain SIP, PUF and breathe switches, they through their breath they provide the input to the computer. It means सिपिंग ऑन द ट्यूब एक्टिवेट्स वन डिवाइस. अगर आप सिपिंग कर रहे हैं, ठीक है, सिप करना सबको पता है क्या होता है. अगर आप किसी डिवाइस से ट्यूब से सिप करते हैं तो आपका डिवाइस क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा. एंड इफ यू आर पफिंग, अगर आप पफ करते हैं तो वो सेम ट्यूब एक्टिवेट्स अनदर, तो वही सेम ट्यूब करेगी दूसरे डिवाइस को एक्टिवेट कर देगी. जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, इस पर्सन के पास एक ये क्या है, ट्यूब है. अगर इससे वो सिप करता है तो भी वो आपका डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगा, अगर वो पफ करेगा तो दूसरा डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगा. अप्लाई ऑल सेटिंग्स टू लॉग ऑन डेस्कटॉप कैन बी यूज्ड टू अप्लाई कॉन्फ़िगर्ड एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस इन दिस यूजर एट लॉग ऑन. जब आप लॉग ऑन करते हैं किसी भी डेस्कटॉप पे तो ये फीचर जब आप इस्तेमाल करेंगे सो इट विल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट योर डिवाइस एंड यू विल बी एबल टू यूज ऑल दीज फीचर्स. ठीक है, आप सारी सेटिंग्स को डिफॉल्ट पे सेट कर सकते हैं नए यूजर्स के लिए, और यू कैन कॉन्फ़िगर द एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन फॉर ऑल यूजर्स बट फॉर देम हु आर यूजिंग अ पर्टिकुलर कंप्यूटर. लेकिन ये सिर्फ उनके लिए होता है जो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हो. ओके सो दिस ऑल इज फॉर टुडे. आई होप
you were able to understand what are the accessibility features, what are the impairments, and what kind of different accessibility tools or features we can use for different disabilities of a person. If you have any doubt, just provide us with a comment and we will definitely revert back to you and provide you with a solution. If you are a ओल्ड विजिटर, अगर आप हमारे ओल्ड विजिटर हैं, ओल्ड सब्सक्राइबर हैं, तो हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा. जस्ट लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, दोज हु आर स्टिल नॉट एबल टू गेट टू अस, जो अभी तक हम तक नहीं पहुंच पाए हैं. इफ यू आर अ न्यू विजिटर, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कीप गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोज ऑटोमेटिकली. आपको परेशान ना होना पड़े. मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, कुछ नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे आपसे. टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए. बाय बाय, टेक केयर.